हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैं आ चुका एक और नई वीडियो लेके। तो भाई, हम आज जा रहे थे पोचिंग की में, और यहाँ पर काफ़ी बंदे उतरते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं उतरते, दो तीन बंदे उतर जाते हैं यहाँ पर। तो भाई फटाफट गन लूटते हैं और किल करते हैं इनको। तो गाइस, हमारी 100 वीडियो कंप्लीट होने वाली है चैनल पर। तो मैं सोच रहा हूँ 100 वीडियो जो रखूँ वो Q&A वीडियो रखूँ। तो भाई क्वेश्चन करो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो, हम उनके जवाब देंगे। यहाँ इस घर के बाहर मेरे को फुट स्टेप आ रहे थे, तो भाई देखते हैं बंदे को और किल करते हैं फटाफट। यहाँ इस वजह से मेरे को AKM मिल जाती है, और भाई सामने भी एक बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, तो भाई चलते हैं उनके पास फटाफट। यहाँ मैंने उसका एक बंदा नॉक कर दिया था और एक बंदा उसका रह गया था, तो भाई उस एक बंदे को भी ढूंढते हैं और फटाफट किल करते हैं उसको भी। तो यहाँ ये दोनों बंदे मर चुके थे, और भाई यहाँ से नीपी से नाले में से भी मेरे को बंदे की साउंड आ रही थी, और भाई इस बंदे पे कुछ भी नहीं था। ये बेचारा उतरा होगा लेट, इसको मिला कुछ नहीं भाई बेचारे को। बेचारा क्या स्कैम ही हो गया भाई बेचारे के साथ। यहाँ भाई हम लूट रहे थे थोड़ी बहुत, तो सामने बंदे की कुछ फुटस्टेप वगैरह आते हैं और फायरिंग भी हो रही थी। तो भाई चलते हैं फटाफट उनके पास और किल करते हैं भाई उनको। यहाँ इस बंदे की तो मैंने पेटी बना दी थी, लेकिन इसका दूसरा बंदा शायद स्क्वाड हाउस में था, उस बंदे की भी पेटी बनाते हैं यार फटाफट चलकर। यहाँ मैं उसके दूसरे बंदे को भी हिट देने की काफी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई बच जाता है वो जैसे तैसे। तो फिर वो फटाफट उसकी कवर लेके, ब्रोकन वॉल की कवर लेके, भाई सामने घर में पहुंच जाते हैं। तो भाई देखो यार, उसको कैसे उसकी पेटी बनाते हैं हम। यहाँ मैं उस पर नेड करता हूँ, लेकिन भाई वो नेड से बच जाता है। तो भाई देखो क्या ही एंगल मिलेगा मेरे को उसको मारने के लिए। यहाँ मेरा नेट फुस हो जाता है भाई, नेट बर्बाद। अरे देखो भाई क्या ही एंगल मिला उस बंदे को मारने के लिए। वो बंदा मेरे को इंतजार में बैठा हुआ कि कब मैं आऊँ फटाफट रश करने जीने पे, और भाई उसने मौका ही नहीं दिया, हम तो आने ही नहीं भाई अंदर। तो यहाँ मेरे पे स्क्वाड हाउस में सिर्फ नेट की बरसात हो रही थी भाई, तो स्क्वाड हाउस से फायरिंग होती है। भाई फटाफट चलते हैं कवर में और पेलते हैं उसको। यहाँ ये बंदा स्क्वाड हाउस में निकल के आता है, लेकिन इसकी मैं काफ़ी हिट देने की कोशिश करता हूँ, भाई की HP बहुत होगी, तो फटाफट इसको किल करते हैं। मैं यहाँ सोच रहा था कि सामने वाला बंदा कहीं स्क्वाड हाउस वाला बंदा इसकी किल ना ले ले मेरे से, मतलब किल ना लूट ले। तो भाई फटाफट पहले उसको किल करते हैं, फिर चलते हैं स्क्वाड हाउस वाले के पास। तो यहाँ हमने इस बंदे की पेटी बना दी थी, और अब इसे एक बंदे की पेटी बनानी रह रही थी जो घूम रहा है स्क्वाड हाउस में। ये बंदा भाई मेरे को बहुत तंग करता है, इतनी देर से ये बंदा स्क्वाड हाउस में कैंप करके बैठा, भाई निकल के ही नहीं देता वहाँ से। तो यहाँ ये बंदा निकल कर आ गया था स्क्वाड हाउस में से, फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहा था, तो भाई इसका फ्लैंक ही निकालते हैं आज। बन गई भाई इस फ्लैंकर की भी पेटी। और यहाँ जब मैं स्क्वाड हाउस वाले बंदे से फायरिंग कर रहा था, भाई कुछ बंदे आते हैं गाड़ी से और यहाँ ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग पर रुक जाते हैं, तो खाते हैं उनको फटाफट। तो यहाँ इन दोनों बंदों की भी पेटी बना देती है हमने, तो फटाफट से गाड़ी लेकर चलते हैं यार बंदों को ढूंढने, क्योंकि पोचिंग की में और कोई बंदे थे नहीं। पोचिंग की हमने पूरा साफ कर दिया था भाई, पोचिंग की में तो अपना राज चल रहा है भाई तुम्हारे भाई का। तो यहाँ बंदों की तलाश में मैं घूमता फिरता यहाँ आता हूँ रोजोक के पास, तो और सामने से मेरे को ड्रॉप भी दिखती है, और ड्रॉप के पास से भाई गाड़ी भी दिखती है, तो मैं इसको हिट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई बच जाते हैं, तो फटाफट करेंगे इन पर रश। यहाँ मैंने इन्हें हिट देने की काफ़ी कोशिश करी, भाई बच जाते हैं, तो ये इनकी गाड़ी की हेल्थ तो काफ़ी लो होगी, और ये मेरे पे रश करने के लिए ज़रूर रुकेंगे, तो भाई फटाफट चलते हैं इनके पीछे।
भाई यहाँ मैंने सोचा था कि उस बंदे को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करी थी मैंने मैंने कहा ताकि कि बंदा गाड़ी से कुचला जाए, लेकिन भाई यहाँ बच ही गया मैं उसमें, बाई चांस ही बचाऊँ। क्या अगर ये सीन पसंद, ये क्लच अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना यार। और यहाँ इन दोनों बंदों की पेटी बना देते हैं, और दो बंदे फिर दो बंदे जब मैं हिल कर रहा था यहाँ पर, तो दो बंदे गाड़ी से भाई रोज़ो की पहाड़ी पे पहुँच जाते हैं, और भाई वो कितना गंदा हिट देंगे मेरे को। तो भाई उनकी भी पेटी बनानी है, लेकिन कुछ अलग स्टाइल में बनाएंगे उनकी पेटी भी। भाई यहाँ हम थोड़ी बहुत टूट करते हैं, और भाई मैं सामने वाले बंदों को हिट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई उल्टा ही हो जाता है भाई मेरे साथ यहाँ पर। यहाँ फटाफट मैं हीलिंग करता हूँ, और सोचता हूँ थोड़ा देर फॉल बैक करूँ कि भाई गाड़ी के कवर में ले रखा हूँ, कवर में जाना चाहिए पहले। यहाँ पर इन बंदों को थोड़ी हिट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। तो भाई तो वो बंदा भी हील करके फटाफट हम पे रश करेंगे, और भाई हम ही चलते हैं फटाफट कवर में, हम भी उनका इंतजार करेंगे कि हम पे रश करें, वो हम भी पेटी बनाएं उनकी। अब यहाँ मैं भाई घर के अंदर शेल्टर के अंदर इसलिए घुसता हूँ कि भाई स्कूल से भी, स्कूल के अपार्टमेंट से भी मेरे पे बंदे फायरिंग करते टप 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 करके, और रोज़ो की पहाड़ी पे भी बंदे थे। तो कुल मिला के थर्ड पार्टी, स्कूल के अपार्टमेंट वाली थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते। भाई मैं बीच में फंस चुका था, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इन बंदों को थोड़ा टीस करते हैं ताकि मेरे को रश करें, और भाई काम आ जाती है ये ट्रिक। अब गाइस अगर ये क्लास पसंद आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना। यहाँ मैं भाई नेक्स्ट लेवल क्लच बोला है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल क्लच करा है भाई ये मैंने। अगर सामने वाला बंदा लेट रहे ना भाई, तो शायद तुम भी लेट जाओ, या फिर तुम फटाफट कवर में चलो, क्योंकि लेटे वाला बंदा तुम पे इतनी जल्दी एम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम उन बंदों की पेटी बनाने के बाद आते हैं भाई स्कूल अपार्टमेंट में, इन दोनों की पेटी बनाने। लेकिन भाई जैसे मैं आता हूँ भाई निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से, देते हैं इन पर फायर। तो यहाँ इनकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा था, तो भाई यही टाइम था रश करने का, लेकिन भाई वो तो बंदे तो ज़्यादा ही आगे चले गए थे, तो फिर रहने देते हैं रश करने के लिए। यहाँ मैं इधर उधर घूम ही रहा था रोजोक के आसपास, तो भाई ये गाड़ी दिखती है जो कि रोजोक में आके घर में लगती है। तो भाई देखो भाई क्या ही मारेंगे उसको, तो भाई ये बंदा कहाँ ही एम कर रहा था, स्कूल अपार्टमेंट में एम करके बैठा था ये बंदा, स्कूल या फिर स्कूल अपार्टमेंट में। लेकिन भाई स्कैम भी हो जाता है उस बंदे के साथ। अब यहाँ पर नेट कुक करके फेंकते हैं फटाफट, भाई नेट उसके मुंह पे पड़ता है, इसका मतलब उसकी हेल्थ तो काफ़ी लो होगी, जिससे वो M762 की सिर्फ एक दो गोली में ही निपट गया। तो फटाफट तो यहाँ एक बंदे के फुटस्टेप और आते हैं जो कि घुस चुका है इस घर में, तो भाई बंदा आते हैं उसकी भी पेटी फटाफट। तो यहाँ हमने दोनों बंदों की पेटी बना दी है, भाई थोड़ी बहुत टूट लेंगे और चलेंगे यहाँ से फटाफट। तो यहाँ भाई थोड़ी बहुत टूट लेने के बाद मैं आ चुका हूँ रोजो के पीछे, तो यहाँ मेरे को दिखती है वो यही जली हुई गाड़ी जिसको मैं अपार्टमेंट, स्कूल अपार्टमेंट में हिट देता हूँ। मेरे को लगता है कि वो सामने घर के अंदर है, तो भाई थोड़े बहुत नेट फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ कोई भी बंदे नहीं थे, वो यहाँ से जा चुके थे, और शायद ये वही दो बंदे यहाँ पर स्क्वाड हाउस में भाई सब कैंप करके बैठे थे। और यहाँ मैं मोली फेंकता हूँ जो कि मेरे पे आकर,
गिरती है, तो यहाँ फटाफट हील करते हैं और करते हैं उन पर रश। यहाँ मैं स्मोक फेंकने की कोशिश करता हूँ जिससे बंदे को लगे कि नेट फेंका है मैंने। भाई के क्या हा? क्या नागिन बना फिर रहा है बंदा ये। यहाँ ये बंदा टीपी भी ले रहा था और भाई टीपी वाले बंदे के सामने कोई भी दिमाग जो बेवकूफ़ी होगा भाई, जो टीपी वाले बंदे के सामने जाएगा रश करने, क्योंकि भाई टीपी वाले के सामने जाओगे तो तुम ही मरोगे, वो नहीं मरेगा। भाई पता नहीं क्या इस बंदे का, शायद नेट ग्लिच वगैरह, नेट पिंग वही हाई आ रहा था, तो भाई पता नहीं क्या ही कर रहा था ये बंदा। यहाँ मेरे को एक बग्गी की साउंड आई थी जब मैं स्क्वाड हाउस में बंदे वाइप कर रहा था, तो भाई देखते हैं उस बंदे को और वो भाई यहाँ बैठा है मज़े में। भाई जोन में भी टेंशन नहीं, बंदा जोन में भी नहीं भागता, जोन से मरेगा और हम इसकी किल लेंगे भाई। भाई ये देखो भाई फ्राई पैन पे लगी है उसकी गोली और किल। और एक बंदा और बच रहा था जो कि था नीचे वाले घर में, तो भाई देखो उसको कैसे मारते हैं फटाफट। आखिरी बंदा रह गया था जो कि था सामने वाले घर में, भाई फटाफट रश करते हैं उस पर भी नेट वेट फेंकते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, भाई कमेंट में सवाल जवाब करो, भाई क्वेश्चन पूछो मेरे से, हम उसका आंसर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।